छत्तीसगढ़ राज्य का तृतीय अनुपूरक 10,395 करोड़ का आज प्रस्तुत हुआ और मैंने इस तृतीय अनुपूरक में अपनी बात रखते हुए दो विषय को चिन्हांकित किया। इस 10,395 करोड़ में राजस्व व्यय 10,214 करोड़, यानी राजस्व 98.7% खर्च। राजस्व व्यय का मतलब होता है कि इसमें ना केवल कोई अधोसंरचना का निर्माण होता, ना ऐसे काम होते जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी हो। पूंजीगत व्यय 1.7% जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए व्यय होता है, तो 99% राशि जो खर्च हुई है वो राजस्व व्यय पे खर्च हुई है और ये सीधा सीधा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के जो वित्तीय स्थिति है उस वित्तीय स्थिति को खराब करने वाली है। FRBM एक्ट होता है जिसमें छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, उसके तहत 3% से ज़्यादा किसी सरकार के वित्तीय प्रबंधन यदि बेहतर है तो 3% से ज़्यादा राजस्व घाटा नहीं होना चाहिए। अभी तक हमने 14-15 साल में FRBM एक्ट को और उसके FRBM एक्ट के अनुसार ही वित्तीय प्रबंधन रखा कि 3% से ज़्यादा कभी हमारा राजस्व का घाटा नहीं हुआ, मगर उसका लाभ ये होता है कि 3% तक रखें तो 0.5% अतिरिक्त बोरोइंग की कैपेसिटी, यानी 1500 करोड़ अतिरिक्त कर्ज लेने की क्षमता सरकार की बढ़ जाती है, एक लाभ होता है अच्छे वित्तीय प्रबंध। इन्होंने आज की स्थिति में जो 15 वर्षों तक जो मजबूत वित्तीय प्रबंध रखा था उसको पूरी तहस नहस पहले ही अनुपूरक में कर दिया। अब ये बढ़ के 6,000 करोड़ के राजस्व घाटे में हो जाएगा और 7% से अधिक वित्तीय घाटा की स्थिति आ जाएगी। 7% वित्तीय घाटा हो जाएगा, 3% से छम करके 7%। ये अपने आप में बहुत ही खराब स्थिति, खतरनाक स्थिति दिख रही है जिसमें छत्तीसगढ़ के आर्थिक दृष्टि से, छत्तीसगढ़ के संसाधन की दृष्टि से, और सरकार ने सारे विकास काम को रोक लिया। सड़कों का काम बंद हो गया, पुल का काम बंद हो गया, इरिगेशन के प्रोजेक्ट बंद हो गए, नगर निगम के, नगर पालिका के सारे पैसे वापस बुला लिए, कहीं पैसे नहीं है सरकार के। पुराने जो पैसे थे उसको बुलाकर इन्होंने जो व्यवस्था की है धन की राशि, उससे यह हालत है कि पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ में अराजकता की स्थिति हो गई है, पलायन पूरी तरीके से बढ़ गया है। नवगढ़ क्षेत्र में मैं देख रहा था और पूरे जांजगीर ज़िले में आज पलायन की स्थिति हो गई है, लोगों को, मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। और कहाँ कर्जा माफ़ी? कर्जा माफ़ी की बात जरूर की, आज मैंने विधानसभा के अंदर इस बात को रखने का प्रयास किया, न आपने सिर्फ और सिर्फ सहकारी बैंक से बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन जो होते हैं, ग्रामीण बैंक के शॉर्ट टर्म लोन को कर्ज माफ़ किया, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म लोन को किया नहीं। राष्ट्रीयकृत बैंक से जो KCC है जो, उस पर किसी का कर्ज माफ़ नहीं हुआ। यदि हम कहें 30 लाख किसानों में से 3,75,000 किसानों के कर्जा माफ़ करके बड़े बड़े ढिंढोरा पीट रहे हैं ये जरूर, मगर किसानों की हालत मालूम है कि किसानों के अधिकांश किसान इसमें छूट गए हैं, उनके नाम जब तक नहीं जुड़ेंगे तब तक ये स्थिति बदलेगी नहीं। तो ऐसा वित्तीय प्रबंधन, ऐसी वित्तीय स्थिति छत्तीसगढ़ सरकार की बनी हुई है। और मैं कहता हूँ कि बड़े बड़े नारे और वादे करने से सरकार बन जाती है, अलग विषय। आपने कहा था शराबबंदी करेंगे, शराबबंदी से पहले दिन मुकर गए। आपने कहा था 2,500 नाविकों को 2,500 रुपया उनको हर माह मानदेय के रूप में 10 लाख नाविकों को देंगे, उसके लिए कोई बात उन्होंने नहीं की। स्व सहायता समूह के महिलाओं को कर्ज माफ़ी की बात कही थी, उस पर कोई काम नहीं हुआ। तो छत्तीसगढ़ इस सरकार ने जो घोषणाएं की हैं और घोषणा का जो क्रियान्वयन किया है, विधवावस्था पेंशन, बिजली बिल हाफ की बात की है, 35 किलो चावल, 2 साल का बोनस, कोई बात, किसी बात का जिक्र इस 10,700 करोड़ के बजट में, किसी बात का जिक्र हो दो चीज़ों को लेकर, 3,400 करोड़ और 1,400 करोड़ को छोड़कर, किसी इन बड़ी बातों को मैं जो बता रहा हूँ, बिजली बिल से लेकर 2 साल के बोनस से लेकर 35 किलो चावल, वृद्धावस्था पेंशन, कर्जा माफ़ी, शराबबंदी, इन सभी बातों को और 2 साल का बोनस कहीं जिक्र नहीं हुआ। इसलिए ये अनुपूरक छत्तीसगढ़ की जनता को निराशा लाएगी, कर्जा माफ़ी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ किसानों को भ्रम में लाने की स्थिति पाएगी और छत्तीसगढ़ के किसान आने वाले समय में
कांग्रेस की सरकार, इसकी जो आज बड़ी बड़ी घोषणा करके सरकार में आए हैं, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता का आक्रोश उनको झेलना पड़ेगा। आपने दो महत्वपूर्ण बात कही है, एक तो कहा कि विपक्ष जो है संतरे के छिलके की तरह बिखर रहा है, और दूसरी बात आपने कही कि छत्तीसगढ़ को दिवालिया बनाने की साजिश रची है। बिखर इसलिए रहा है कि अलग अलग मुद्दे पे बात होती है। एक तरफ तो इन्होंने कहा कि जो हमारे संसदीय सचिव हैं उनके लिए हाईकोर्ट गए कि संसदीय सचिव यदि रहते हैं तो वित्तीय भार पड़ता है, अतिरिक्त मंत्रियों का बोझ पड़ता है, आज वित्तीय स्थिति इनकी खराब है। वित्तीय प्रबंधन की बात करते हैं तो संसदीय सचिव हटाने की बात जब उस समय हाईकोर्ट में जाकर कर रहे थे, आज उसी बात को पलट कर वापस आ रहे हैं और आज बोल रहे हैं कि संसदीय सचिव बनाने के बारे में हम विचार कर रहे हैं। तो यू टर्न लेने वाली सरकार कैसी हो सकती है, ये मैंने कहा। एक गृह मंत्री को नहीं मालूम कि उनके यहाँ कौन सा IG जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त होता है, वो पेपर में बोलता है कि मुझे नहीं मालूम किसी अधिकारी की नियुक्ति हुई। यानी गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में क्या स्थिति बनी है 15 दिन में, ये समझ में आता है कि क्या तालमेल इस सरकार के अंदर है।